दोस्तों आपका स्वागत है प्रिया ट्रैवल लाइट में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी रोचक जानकारी जो जुड़ी होती है ट्रैवल डेस्टिनेशन से। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही रोचक जानकारी, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की नई खूबसूरत लोकेशंस, जहां जा सकते हैं आप हनीमून के लिए। हनीमून के बहाने आप एक दूसरे के साथ कुछ दिन शांति और प्यार में बिताना चाहते हैं तो टेंशन ना लें। हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे ही डेस्टिनेशंस जो बेहद खूबसूरत हैं और इनकी खास बात ये कि यहाँ कोई ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। देश में कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं ये कौन से डेस्टिनेशन है। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश का हॉर्सले हिल्स। ये डेस्टिनेशन बहुत ही सुंदर है, खास तौर पर अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो आप इसके मुरीद हो जाएंगे। तिरुपति मंदिर से 144 किलोमीटर की दूरी पर हॉर्सले हिल्स सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनवायरमेंटल पार्क और मालमा टेम्पल। हॉर्सले हिल्स का नाम आंध्र प्रदेश के कलेक्टर वीडी हॉर्सले के नाम पर रखा गया है। दूसरी जगह है चकराता, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ठंड ज्यादा पसंद है। 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चकराता का प्रमुख अट्रैक्शन है टाइगर फॉल्स। यहाँ एक पल के लिए भी आप नजरें हटा नहीं पाएंगे। अगर आप मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं तो लखवर महासू देवता मंदिर जा सकते हैं। अच्छी बात तो ये कि यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। तीसरी जगह है तारकर्ली। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं मगर एडवेंचर पसंद करते हैं तो मुंबई से महज 546 किलोमीटर दूर तारकर्ली आपके लिए अच्छा डेस्टिनेशन है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, समुद्र किनारे का मजा लूट सकते हैं। रोमांटिक हाउस बोट आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ का सी फूड भी बेहद खास है। ये पूरा क्षेत्र बहुत ऐतिहासिक है, इसलिए एडवेंचर के साथ साथ आपको इतिहास जानने का भी मौका मिलेगा। चौथी जगह है डलहौजी। डलहौजी देश के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है, खास तौर से सर्दियों के मौसम में इसका कोई जवाब नहीं। स्नोफॉल देखना हो तो डलहौजी से बेहतर कोई जगह नहीं। सर्दी में यहाँ पेड़ों पर भी बर्फ जम जाती है। आपके हनीमून के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। पांचवी जगह है जवाहर। मुंबई से 180 किलोमीटर दूर जवाहर को लोग महाबलेश्वर मंदिर के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर जवाहर में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। यहाँ की वर्ली पेंटिंग्स और ट्राइबल कल्चर देखने लायक है। यहाँ आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो हनीमून के लिए कहीं दूर जाने की जगह आप यहाँ भी आ सकते हैं। छठी जगह है रानीखेत। उत्तराखंड का रानीखेत हिमालय रेंज व्यू के लिए जाना जाता है। हनीमून और लव डेस्टिनेशन के लिए भी ये बेहतरीन जगह है। सातवीं जगह है दोस्तों कोडाई कनाल। तमिलनाडु हरियाली के लिए मशहूर है। कोडाई कनाल में आपको ये बात झूठी नहीं लगेगी, बल्कि आपको ये एहसास होगा कि प्रकृति के करीब रहने का कितना मजा है। हनीमून मनाने के लिए सबसे ज्यादा लोग चेन्नई से आते हैं। ये जगह काफी किफायती भी है। आठवीं जगह है धनौल्टी। धनौल्टी से चंबा और मसूरी बिल्कुल एक समान दूरी पर है। बस कुछ मिनटों की दूरी में मसूरी से धनौल्टी पहुंच सकते हैं। मसूरी और चंबा में बहुत भीड़ होने की वजह से आजकल हनीमून कपल्स धनौल्टी को ही पसंद करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों खजुराहो। खजुराहो के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर हनीमून डेस्टिनेशन के लिए इसके बारे में शायद नहीं सोचा होगा। ऐसे में हनीमून के लिए अच्छी जगह क्या हो सकती है। और अंत में दोस्तों जगह है औली। औली हिमालय के पहाड़ स्कीइंग के लिए फेमस है। नवंबर से फरवरी के बीच यहां जाने का सबसे अच्छा समय होता है। इस हिल स्टेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी हनीमून डेस्टिनेशन से जुड़ी हुई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए प्रिया ट्रैवल लाइट।